आप सबको स्वागत है। आज हम 20 अप्रैल के ईश्वर प्रदान में पहुंचे हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि मेरे पास में दो चॉइसेस हैं, एक तो है हीरो एक्टर की और एक है विलन एक्टर की, और कभी कभी हम अपने रोल्स को स्विच कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे परमात्मा हमें कहते हैं कि सिर्फ मैं नहीं तुम्हें देख रहा हूँ, सारी दुनिया की आत्माएं तुम्हें देख रही कि तुम या तो हीरो एक्टिंग करते हो या तो विलन एक्टिंग करते हो, या तो दुआएं कमाते हो या बददुआएं कमाते हो, और उसके अनुसार तुम्हारा जीवन बनता है। तो परमात्मा कहते क्या है आज के वरदान में, इसको हम देखें। स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ। ये जो सारी स्टेज है, ये सारी बेहद की स्टेज है, ये कोई हद की स्टेज नहीं है। हद की स्टेज होगी मूवी, जो कि फिल्म होती है 2 घंटे की, 1.5 घंटे की, वो हद की मूवी होगी। लेकिन ये दुनिया में हम सब आत्माएं अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, ये बेहद की स्टेज है, अनलिमिटेड इनफाइनाइट स्टेज। स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ, सदा श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। हमारा पार्ट कैसा हो? हीरो जैसा हो। या तो हम भगवान को फॉलो कर रहे हैं या तो फिर हम शैतान को फॉलो कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं आप सब विश्व के शोकेस में रहने वाले शो पीस हो। अगर आपके घर में शो पीस होता है तो उसको आप बिल्कुल साफ रखते हो, देखते हो कि उसको कोई टच ना करे, मैल धूल ना आए, कोई गिरा ना दे, कोई तोड़ ना दे। तो परमात्मा हमें भी क्या कहते हैं कि आप भी एक शो पीस हो शोकेस में। शोपीस क्या होता है? सुंदर होता है, देखने लायक होता है, दर्शनीय होता है, सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है, और लोग देखना चाहते हैं क्या है ये एग्जैक्टली। परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें भी सारी दुनिया देख रही है, तुम परमात्मा के बच्चे हो तो तुम्हें भी देख रहे हैं। बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े ते बड़ी स्टेज पर हो। जितनी सारी आत्माएं हैं विश्व की, उनके बीच में हम बड़ी ते बड़ी स्टेज पर हैं। इसी स्मृति से हर संकल्प, हर बोल और कर्म करो। ये याद रखो कि हम बेहद की स्टेज पर हैं, लोग हमें देख रहे हैं, तो हमारे संकल्प, बोल और कर्म उसके अनुसार होने चाहिए, बिल्कुल मर्यादा में होने चाहिए, पार नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर लकीर के पार हुए तो रावण पकड़ेगा और फिर रावण खेलाएगा और रावण फिर गलत कर्म करवाएगा। परमात्मा कहते हैं कि बोल और कर्म करो कि विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं, ये सोच करके। इससे हर पार्ट श्रेष्ठ होगा और हीरो पार्टधारी बन जाएंगे। सभी आप निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं। हम निमित्त आत्माएं हैं, उनसे सारे विश्व की आत्माएं होप रखती हैं, प्राप्ति होगी कि इनसे हमें कुछ प्राप्ति होगी, हमें कुछ सिखाएंगे, कुछ हमें दिखाएंगे अपने एक्शंस के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू दर्शाएंगे कि कैसे करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, भावना रखते हैं। तो सदा दाता के बच्चे देते रहो और स्वयं और सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो। तो दाता के बच्चे हम देते रहें। देना कैसे? सिर्फ धन से देना नहीं, किसी के लोभ को पूरा कर देना, किसी के अहंकार को पूरा कर देना नहीं। अगर हमें देना है किसी को तो हमें अपनी सोच, बोल और कर्म एक्शंस के थ्रू, वो भी पवित्र एक्शंस के थ्रू दिखाना है, और हमें शो केस में शो पीस बनकर रहना है। परमात्मा के हम एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। परमात्मा कैसे हैं वो हमारे द्वारा और को पता चले। ब्रह्मा कुमारी कैसी है ये और को हमारे द्वारा पता चले। ये सब कुछ सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारी, इसमें आप भी आकर के सीखें सारी चीजों को। ओम शांति इसके साथ।